हाय गाइस, तो आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए क्या रेस्टोरेंट स्टाइल स्टफ इडली, वो भी रवा इडली कैसे बनानी है स्टफ मैं बताता हूं वीडियो पे बने। सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं जी सूजी आधा किलो, 250 ग्राम ऐड कर रहा हूं जिसमें दही, आधा किलो सूजी, 250 ग्राम, थोड़ा सा पानी, एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैटर को हमने कर दिया मिक्स, इसको रेस्ट दे दूंगा जी मिनिमम आधा घंटा। मैं स्टफिंग के लिए सबसे पहले ले रहा हूँ जी मैं कॉर्न को मैंने बारीक काट दिया है, बारीक काटी हुई शिमला मिर्च, काटा हुआ बेल पेपर येलो, जी थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बारीक काटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर देते हैं जी। बिल्कुल थोड़ा सा व्हाइट सॉल्ट, मिक्स इट वेल। इसकी स्टफिंग रेडी हो गई है। भरना कैसे इडली के अंदर मैं आपको बता सकता, आधे घंटे बाद थोड़ा सा फर्मेंट हो गया है। व्हाइट सॉल्ट, राई के दाने, बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ज्यादा, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। कर रहा हूँ गाइस थोड़ा सा इनो, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। मिक्स इट वेल, अच्छे से मिक्स कर देंगे। लेते अपने इडली स्टीमर में, बिल्कुल शानदार तरीके से। जगह जो हमने मसाला बनाया था उसके बिल्कुल छोटे छोटे बाउल मैंने बना दी, बिल्कुल बॉल्स छोटे छोटे, इसको ऐड कर देता हूँ इस तरह से इडली में, ऊपर से फिर से कवर इस तरह से। ऊपर से लगा लेता हूँ एक एक धनिया का पत्ता, बिल्कुल शानदार तरीके से हमने लगा दिया। इसको कर देते हैं, इसको मिनिमम 14 से 15 मिनट हमें स्टीम करना है। बिल्कुल शानदार तरीके से फर्मेंट हो गई है जी, कितनी ऊपर उठ गई है, प्यार से निकल गई है, क्या बात है। तो रेडी हो गई आपकी स्टफ, तो गाइस जल्दी जल्दी जाओ ट्राई करो ये स्पेशल स्टफ इडली, खाओगे तो कहोगे ओए होए होए होए। थैंक यू।